And Shah's focus was almost fully on the NDA's development mantra in Manipur too, where he addressed a mega party rally at Wangjing in Thoubal district. Taking the attack to the Congress camp in Manipur, the BJP president lashed out at former Manipur Chief Minister and State Congress President Okram Ibobi Singh, accusing him of selling the land and resources of the state. 139 din blockage rehta tha, bhrashtachar ka koi sumar nahi tha, jo paisa Delhi se aata tha, Ibobi Singh ke dwara chau kar liya jata tha. Ibobi Singh sarkar ne Manipur ki dharti bhi bechi, pani bhi becha, jungle bhi beche, dawaiyan bhi bechi, yahan tak Loktak jhil ko bhi samapt karne ka kaam Ibobi Singh ne kiya tha. Ibobi Singh ki sarkar ne bhai ko bhai se ladane ka kaam kiya. पहाड़ और खाई के झगड़े शुरू किए. ये सारे झगड़े समाप्त करकर आज मणिपुर एक मॉडल स्टेट की दिशा में आगे जा रहा है. And Shah also drove home the point that BJP government, both at the state and center, have pulled Manipur from the era of bandh under Congress rule and taken it to the path of becoming a model state. कांग्रेस के शासन के अंदर मणिपुर ने ढेर सारे बंद को झेला है. 160 दिन तक बंद झेला है. बंद के कारण सारी चीजों की कीमतें आसमान को छूती थी. गैस नहीं मिलता था, केरोसिन नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था. आज बीरेसी के शासन में मणिपुर बंद मुक्त, ब्लॉकेज मुक्त, आतंकवाद मुक्त होकर आराम से देश के साथ जुड़ा है. And taking note of the pulse of Manipur, which is the region's sports hub and has produced a number of international stars, Shah highlighted the push for sports infra in Manipur under the NDA government. खिलाड़ी जब दूसरे देश से मेडल लेकर आते हैं तो 8 लाख की जगह 15 लाख रुपए इनाम उनको देने का प्रोविजन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. दानाम जुरी यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम, हॉकी स्टेडियम और फ्लड लाइटिंग का काम और एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल का काम, उसका नींव रखने का काम, फाउंडेशन स्टोन डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर आज उसका डेवलपमेंट का काम शुरू किया है. And Shah also lashed out at the opposition, calling it a leaderless gadbandhan trying to take on Prime Minister Narendra Modi. और मित्रों, देश में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें दो सांप खेमे पड़े हैं. एक और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सारे दल संगठित हुए हैं, देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में एक गठबंधन का टोला बना है जिसका कोई नेता नहीं है. एंड ही आल्सो हाइलाइटेड द एनडीए गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट पुश इन द रीजन, स्टेटिंग दैट इट वाज अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट द एनईसी प्लेनरी मीट वाज हेल्ड इन द रीजन आफ्टर 40 इयर्स. नरेंद्र मोदी सरकार जब से देश में बनी 2014 से पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे कार्यक्रम किए. और जो 13th फाइनेंस कमीशन आया था यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और 14th फाइनेंस कमीशन आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 13th फाइनेंस कमीशन से 14th फाइनेंस कमीशन में पूर्वोत्तर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए 258% ज्यादा रकम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. 40 साल से नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती थी, नरेंद्र मोदी जी आए, पहली ही एनईसी की बैठक 40 साल के बाद शिलोंग में कर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने किया है.